हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुर्ता पट्टी बनाने की एक वीडियो शेयर करूंगी, जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगाऊंगी, जिसको मैं लगाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले, जैसे हमारे पास ये फैब्रिक है हमारा, जैसे हम नॉर्मल कोई भी अपना नेक कट करते हैं, सबसे पहले हम अपना नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे 3 इंच, और गले गले की गहराई रखेंगे, वो भी रखेंगे 3 इंच। फिर हम हल्का सा ऐसे इस तरह से कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे गले की। इसके बाद एक मार्क हम इस तरह से नीचे की ओर 7.5 इंच पे लगाएंगे, इस तरह से। इस यहाँ तक हमने अपना कट डालना है। अब हम सीजर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो हमने मार्क लगाया था अपना, यहाँ तक अपनी सीजर से हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल इस मार्क तक हम अपनी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा नेक कुछ इस तरह से कट गया है। अब हम यहाँ पर अपनी दोनों साइड पट्टियाँ लगाएंगे। उसके लिए हमने, ये देखिए, इस तरह की हमने एक पट्टी अपनी तैयार कर ली है। ये देखिए, इसको मैंने पहले से ही, ये 2.5 इंच चौड़ी मैंने कटिंग करी थी, उसको दोनों साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और जो हमारी जो शर्ट की जो लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड की तरफ हमने इस तरह से, ये देखिए, अपनी पट्टी इस तरह से रखनी है। बिल्कुल ये जो हमने कट लगाया है, बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से पट्टी रखते हुए यहाँ पर एक हम अपनी सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर डालते हुए, इसको रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे हम अपनी एक। ये देखिए, हमने एक साइड की इस तरह से अपनी पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी साइड की पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए ये देखिए, मैंने इस तरह से अपनी एक पट्टी तैयार कर ली है। इसकी चौड़ाई भी मैंने 2.5 इंच कट की करी थी, और इसको दोनों साइड से इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। और एक साइड को इस तरह करेंगे हम, दूसरी साइड को इस तरह, ये देखिए इस तरह, ये आप देखिए ध्यान से, इस तरह से। ये 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी, इसके अंदर मैंने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है पहले से ही, ताकि इससे ये पट्टी बहुत अच्छे से बनने के बाद इसकी ग्रेस बहुत अच्छी आए। एक साइड से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड किया, और एक साइड से मैंने ऐसे ही रखा इसको। अब हम ये जो हमारा फैब्रिक है, इसके ये राइट साइड की तरफ हम, ये रॉन्ग साइड से, ये देखिए इस साइड से, हम इस साइड से अपना ये वाली पट्टी इस तरह से, इस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के रखेंगे, और इस तरह बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारी ये सिलाई ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे भी हमने ये सिलाई यहाँ पे ला के अपनी ख़त्म करनी है। इस तरह से दोनों साइड के धागों को हम काट लेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने मार्क लगाया था, यहाँ तक हमारी सिलाई ख़त्म हुई है, वहाँ पे हम इस सिलाई तक एक कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस सिलाई तक हमने यहाँ पे कट लगाया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो हमारी साइड की पट्टी है, इसको हमने इस तरह से ऊपर की साइड, ये देखिए ऊपर की साइड निकाल ली है, और ये देखिए इसको इस तरह अंदर करते हुए यहाँ पे हम अपनी किनारी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये पट्टी इसके ऊपर ऑलरेडी ओवरलैप होके आ गई। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी कुर्ता पट्टी लग गई है। अब हम यहाँ पे इसके यहाँ पे इस साइड किनारी किनारी पे सिलाई लगाते हुए आएंगे।
अब जितना हमने नीचे से अपना वो रखना है, जितनी लंबाई रखनी है पट्टी की, उतनी रखने के बाद बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ तक इस सिलाई तक, ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से हम थोड़ा इसको तिरछा काट कर निकाल देंगे इसको। ये देखिए यहाँ से नीचे से इसको यहाँ से लेंगे और इसको तिरछा कट करते हुए यहाँ से ऐसे इस तरह से हमने थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से निकाल दिया काट कर। अब हम यहाँ से ये हमारा, हमें अपना ये कुर्ती का सेंटर पॉइंट पता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पट्टी का रखते हुए अब इस सिलाई पे हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद चाहे तो हम इसको इस तरह से सीधा ही नीचे से ऐसे इस तरह से सीधी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से नहीं चाहते तो आप इस तरह से इसको एक साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर आप इसको इस तरह से दूसरी साइड फोल्ड करते हुए ऐसे इसकी वी बना देंगे नीचे से। ये देखिए यहाँ इस तरह से अपनी सिलाई किनारे किनारे पर लाएंगे हम लोग इस तरह से, इसको इस तरह से सुई हमारी अंदर ही रहनी चाहिए जब हम इसको मोड़ेंगे तो। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस, ये अपने आप ही इस तरह से ओवरलैप हो जाती है। इस तरह से अब हम इसे इस साइड घुमा लेंगे थोड़ा ताकि यहाँ से हमारा पक्का हो जाए। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा कितना अच्छा प्लेकेट बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से ये देखिए इन दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हैं। पहले से देखिए मैंने इसको एक्स्ट्रा कट किया था, अब इन दोनों को बराबर रखते हुए हम यहाँ से इनको बराबर पकड़ते हुए इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये कितना इजीली और कितना आसानी से बन के ये प्लेकेट ये देखिए तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम यहाँ पे अपना बाद में तीरे जोड़ के बैन लगा सकते हैं अब अपना। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।